रात भर रक्स करने के बाद इनकी हालत देखें, किसे घोड़े बेच के सब सो रहे हैं सुकून से। अभी देखो क्या करता हूँ उनके साथ। आए नाज़रीन, आज हम आप सबको एक दुनिया का एक अजीब व तरीन नमूना पेश करते हैं, जिसका नज़रिया ये है कि देखें ये सारे जंगली जानवर आप देख रहे हैं, इनको जहन्नुम से उठा के जन्नत में लेके आ गए। जन्नत देखें यहाँ का, ये देखें ये अनस, ये देखिए ये 24 घंटे खुजाने वाले खुजली इंसान, इनको देखो जन्नत में लाए तो कैसे कंबले उड़ के मलमल की कंबले उड़ के सो रहे हैं सारे। मन देखो ये देखो, कभी इतने सुकून से तुम कभी अपने घर में सोए हो क्या? शक्ल देखिए, ऐसे सुकून से मलमल के कंबल में सोने वाले हैं, जन्नत में आई कैसे सुकून से सो रहे हो। जितना जीना यहाँ जी लो, आखिरी में जहन्नुम में ही जाना तुम सब लोगों को, पहले ही बता रहा हूँ। सारे शैतान इबलीस नमरूद मलाउन, ये देखो इसी खूबसूरत जगह, शक्ल देखो और ये सबका हेड, और इन सबको लीड करने वाला ये। सफ़र जो कि हमारा है आज नलतर वैली की तरफ, जो कि एक हसीन खूबसूरत वादी है जहाँ दो किस्म के लेक पाए जाते हैं। और ये नवाज अली गाड़ी के अंदर से सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया चोरी करते हुए। सही से बंद कर, ओ अंदर कर वो बैग। एक सतरंगी लेक है जो पहले आएगी, और उसके बाद जो है ब्लू लेक, वो उससे कुछ दूर के फासले पर है। आपको खुबानी खाने देना, यहाँ से तोड़ के खा लो। खाओ खाओ खाओ, सही है खाओ। अबे कड़क के, कड़क ही होते हैं, खाओ तो इधर ही खाओ। तो कड़क ही होता है, कड़क खाते हैं। हैशटैग ट्रेवर अलोंग, हैशटैग ट्रेवर अलोंग, अनस्को ट्रेवर अलोंग, अनस्को। सतरंगी लेक जो है वो एक लेक है जिसमें आपको एट द टाइम 7 किस्म के कलर दिखते हैं उसके अंदर। वो बहुत ही खूबसूरत पाई इस लेक में, बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ तक हमारा कार का सफर जो है वो यहाँ पे अख्तिताम पजीर होता है। इससे आगे का सफर जो है वो हम जीप पे तय करेंगे। रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है, कार चलना नामुमकिन है इस रास्ते में, तो आगे का सफ़र जो है हम 4x4 पे करेंगे, जिसके लिए हमें जीप करनी पड़ेगी जो कि हमें नलतर तक पहुंचाएगी। तो चलें जीप करते देखते क्या होता है। आप देख रहे हैं हम इस टाइम नलतर की तरफ जा रहे हैं, और नलतर का सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। हम कैसे हिलते हुए जा रहे हैं, हमारे दो बच्चे उतर गए डर के मारे और वो भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं हम इस टाइम नलतर वैली की तरफ जा रहे हैं, और इस टाइम हमारे ऊपर बर्फ गिर रही है, देखें इसके ऊपर बर्फ नजर आ रही है आपको, इसकी टोपी भी बर्फ नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ आपके, बहुत ही खूबसूरत
पहुंचे नलतर। ये नलतर वैली, नलतर वैली का ग्लेशियर आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हम इस वक्त नलतर के टॉप पर पहुंच चुके हैं। जी जी राम जी ने की है, छोटी सी जीले बड़े बोलो जीले। ये टेंट में हमारे साथ जो भाई बैठे हैं अंदर, ये देखिए हम अपनी गाड़ी में लेके यहाँ पे आए, बड़ी अच्छी ड्राइव करते हैं ये, और ये भी फर्स्ट टाइम है जब भी आके गया शुरू होकर ले। तो आप बताएं कैसी लगा मुझे? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। आप फर्स्ट टाइम आए? अच्छा, ये टाइम पे आप बाहर निकलिए, कराची वालों भाई बहुत सर्दी है, जो भी है देख रहा है जून के महीने के अंदर यहाँ पे बर्फ गिर रही है। आगे हम रुके हुए थे बड़ी लेक के ऊपर, अभी छोटी लेक के ऊपर कैंपिंग है, यहाँ से कल निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे साथ ईशान भाई जो हमारे सामान शिफ्ट कर रही है, और ये देखिए झील का बहुत बेहतरीन व्यू आपको दिखाता चलूं, के ये झील ऊपर बहुत बेहतरीन व्यू है झील का। और ये देखिए ये झील है, ये हमारे अनंत भाई जो सामान लेके आ रहे हैं, ये हमारे हसन भाई है, और ये हमारे अयूब भाई है, ये हमारे सरजीत सर ने बहुत 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 अच्छा मौसम हो रहा है, सब नलतर वैली का सफ़र जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा, हमें बहुत मज़ा आया, हमने रास्ते को एंजॉय भी करा। सफ़र थोड़ा ख़तरनाक था, रोड रास्ता ख़राब होने की वजह से हमें कुछ जगहों पर उतरना भी पड़ा, लेकिन बहरहाल आखिरकार हम जो है वो अपने मंजिल तक पहुंच गए और एंजॉय भी करा।